अल्लाह खैर करे। चलो अल्लाह ने कुछ बेहद दे जनाब तुसी पानी देने कोई 20-30 रुपए 50 रुपए पाओ 1 रुपया वो भी लाभ लाभ के काट के पाते तुसी। जनाब तुसी कैसी गल कर रहे हो? नहीं फिर भी मैं किसी बंदे नु खुश नहीं कर रहा, किसी इंसान नु पैसे नहीं दे रहा, बल्कि अच्छा। मैं ते अपने रब दी जात ली जो मेनू अल्लाह ने तौफीक दीती है, मेरे को जिन्ने मिले मैं वो कट के सदका अल्लाह दे रस्ते ते देता है। जदों इंसान सदका देता है ना, उदों इंसान नु ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को इन्ने पैसे होंगे तो मैं सदका देवांगा। सदका एक रुपया भी अगर दिता हो अल्लाह पाक का वादा है 10 गुना दुनिया 70 गुना अल्लाह बाकी देता है आखिरत। ता मेरा पुत्र जो कुछ तुहाडे कोल होवे तुसी ओ सदका करो, चाहे तुहाडे कोल 1 रुपया 2 रुपए तेरे इस गल दा इंतजार ना करो कि मेरे कोल वाधू पैसे आण के ते मैं सदका करांगा। ते वैसे भी जिन्ना कोल वाधू आ जांदे ना ओ सदका नहीं करदे, ओ सदका नहीं करदे। इस गल दा ख्याल करना, जितने होण सदका करो, अल्लाह दे रस्ते ते देंदे चले जाओ, बखील ना बनो। 1 रुपया अल्लाह ने देण दी तौफीक दित्ती ते मैं देता। आज तू बार तू भी वादा कर पुत्र, तेरे को एक हो गए दो होन तीन होन, चलते रह आंदे जाते सदका करो ताकि अल्लाह पाक जी सारी परेशानियां उन्होंने की करे दूर करे। हुन समझ आ गई गल? आ गई गल समझ। वादा करे ना कि हुन पालिया करेंगे जिन्हें ही और लाभ मिले। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा पैगाम ये था कि सदका जो है ना, चाहे उसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है, जितना भी आपके पास है आप अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। अल्लाह को देने के लिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं। ये दुनिया वाले जो है ना, इनको देने के लिए शर्म आती है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देने के लिए शर्म नहीं। अगर आप शर्म करते रहे तो गरीब तो बेचारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपकी शर्म ही नहीं खत्म होगी। बस।